देखो जी, हम तो यही बात ध्यान है, जो यहाँ जैसे कर्म करेगा ना वो भोग के जाने पड़ेंगे जीवन में। 100% सही बात है जी, सच बात है, अगले में भोगोगे बिल्कुल। सही कर्म करने चाहिए, बढ़िया, किसी को दिल ना दिखाना चाहिए ना कुछ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और आज तो भाई सुबह दिल सहम गया एक्सीडेंट देख के। वो इंडरी से निकलते हैं, जो इंडरी और सोनास के बीच में जो सड़क है वहाँ पे मिट्टी गिर रखी है, और वो मिट्टी लाइट से दिखती नहीं है। दो तीन एक्सीडेंट हो रखे हैं, तो बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही भयंकर चोट लगी काफ़ी। हमने भी पूछा भाई चलो ले चलते हैं गाड़ी में, तो बोल रहे थे भाई आ रहा है, तो इसलिए तो बहुत ही भयंकर है भाई। इससे पता लगता है कि समय का कोई पता नहीं है, और हमारी भी इवन हमारी भी गाड़ी उस मिट्टी पे चढ़ गई थी, बाकी स्पीड कम थी नहीं तो रुक जाती, और हादसा हो सकता था बड़ा। कि बहुत ही दिल सहम गया मेरा, तो समय का पता नहीं चलता भाई कब क्या हो जाए। तो अभी तो फिलहाल ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदने, वो भी मैं बताऊंगा किस लिए खरीदने हैं, शादी में जाना है, वो सब बताऊंगा। अभी तो पहुंचने वाला हूँ 10 मिनट में ऑफिस, चलिए फिर मिलते हैं। हाँ तो भाई अभी मैं पहुंचने वाला हूँ ऑफिस, और आज तो भाई बच ही गए, लगा लो अपनी गाड़ी भी उस मिट्टी पे, मतलब स्पीड में कम थी हमारी गाड़ी, वो मिट्टी पे चढ़ गई थी, बट बचा लिया, हल्की सी चढ़ी थी मतलब। और वो मिट्टी ना रोड के पास में, जैसे ये रोड है यहाँ पे, मतलब कॉर्नर पे डाल रखी थी जहाँ से बाइक चलती है साइड होके, वैसे डाल रखी थी, वो लाइट से दिखती नहीं है एकदम से। पहले पहली बाइक का ही वो एक्सीडेंट हो रखी थी, फिर दूसरी बाइक का ही, दूसरी भी लेडीज़ थी एक और एक जेंट्स था, उन्हें भी चोट लग रखी है, ब्लड निकल रहा है काफ़ी। बाकी हमने तो बोला भाई चलो गाड़ी में छोड़ देते, बोले भाई आ रहे हैं और तो वो करेंगे हेल्प। तो इस तरह से था, दिल से हम गया भाई बहुत एक्सीडेंट देख के, तो इसलिए समय का पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, ऑफिस के बाद जाएंगे शॉपिंग करने, कपड़े वगैरह खरीदने, वो दिखाएंगे आपको। चलिए गुड मॉर्निंग गाइस, देखो एक्सीडेंट हो रखा है, चल रहा हूँ जी, ये मिट्टी गए एंट्री, चलो चलो ना इंड्रिक एक मिनट रुक, कहाँ से हो आप भाई? खेड़ा खलीलपुर से भाई। कोई फोन नंबर वगैरह कर दिया भाई के दौर कर दिया, तीनों एक ही भाई, तीनों अलग अलग भाई के एक्सीडेंट हो रखा है भाई। चला जी, खेड़े के हैं ये, ये मिट्टी गहर रखे भाई बीच हमारी गैल, और ये लाइट पड़ रही है ना सामने, लाइट हमारी गाड़ी भी, इन गाड़ी में लाइट आ गई इनकी, हाँ मिट्टी दिखती भी ना ना, मिट्टी भी दिखती ना, हाँ हम भी गिर जाते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ना पलटती कि सामने लाइट दिखाई ना दे रहा बिल्कुल। हाँ जी, गुड इवनिंग गाइस, अभी मैं आ गया था घर पे, और आज कैंसिल कर दिया शॉपिंग करने का, क्योंकि लेट हो रहा था मैं, तो खेलना ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तो प्रैक्टिस नहीं कर पाता अगर शॉपिंग करता, तो कल का प्लान करेंगे और वो कल के ब्लॉग में देखेंगे आप क्या है। और इसके बाद अभी मैं चेंज करके ग्राउंड पर जाऊँगा, दिखाऊँगा वो भी आप सभी, और जो बच्चे हैं बास्केटबॉल के उनकी किट भी तैयार हो गई है, वो भी कल आई होप आ जाएगी, तो वो भी बताएंगे आपको। नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, बच्चों से मिलेंगे बास्केटबॉल के बच्चों से। चलिए अभी इसको खोलते हैं, चलिए। और अभी आते ही मुझे घर पे सरप्राइज मिला ICICI बैंक की तरफ से, और ये सरप्राइज इसमें है, ये बाई पोस्ट आया है, ये लिफाफा इसमें है, शायद ATM कार्ड है ये, और ATM कार्ड मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, पहले से ऑलरेडी है मेरे पास ICICI बैंक अकाउंट का, तो अभी देखते हैं क्या है ये,
मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, फिर भी अकस्मात मिला मुझे। हाँ तो भाई इसमें एटीएम कार्ड ही है, सही सोच रहा था मैं, एटीएम कार्ड है आईसीआईसीआई का। तो मैं क्या कहानी है, और कंप्लेंट करेंगे आईसीआईसी बैंक में ब्रांच वगैरह में जाके, क्या कहानी है, पैसे काटेंगे क्या करेंगे इसका। अपने आप ही भेज दिया है उन्होंने, ना ही कोई अप्लाई किया था मैंने, ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं किया था, पता नहीं क्यों भेज दिया है। ऐसा भी होता है क्या, ऑफर चल रहा है कि फ्री में भेज दो सभी को। चलिए देखते हैं, और अभी तो फिर जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ ग्राउंड। हाँ तो गाइस अभी मैं आ गया था ग्राउंड पे, तो अभी बास्केटबॉल के प्लेयर खेल रहे हैं, फिर कोच साहब प्रैक्टिस करा रहे हैं जम के बच्चों को। यही बच्चे हैं, किट आ रही है तुम्हारी कल, खुश हो खुश हो खुश हो, पैसे लिए हो सारे। अच्छा कोच साहब प्रैक्टिस करा रहे हैं जम के, ये कोच साहब है जम के, प्रैक्टिस करा रहे हैं, इनका इवेंट आने वाला है खेलो इंडिया से, और ये प्रधान अपना। तो अभी वॉलीबॉल के प्लेयर नहीं आए, मैं भी बास्केटबॉल से वार्म अप हो रहा हूँ, और वॉलीबॉल का मैदान बिल्कुल खाली है, बॉल ये रखी है, तो अभी प्रैक्टिस करेंगे। वॉलीबॉल की थोड़ा लेट होती है, लाइट वगैरह लगी हुई है ग्राउंड पे, तो लेट ही प्रैक्टिस करते हैं, दो तीन मैच जम के लगते हैं, चार पाँच छः सात प्लेयर आ जाते हैं अभी, तो मैच करेंगे इन्जॉय करेंगे। और कल आई होप इनकी किट आ जाएगी सभी बच्चों की, और मैंने भी बनवाई है किट, और मेरी किट पे क्या नाम है वो आपको सरप्राइज मिलेगा, बहुत ही मस्त है, तो आप गैस कीजिए क्या होगा, तो देखना कल दिखाएंगे, अगर आ जाएगी किट तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। और कुछ सा मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा बास्केटबॉल के, और हम भी मेहनत कर रहे हैं फिलहाल इंडिया टीम के प्लेयर वॉलीबॉल की, जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं और जाएंगे पंजाब टूर्नामेंट में। और भाइयों मैं दिखाता हूँ, सौरभ जोशी भाई आए थे हमारे गांव में, इंडरी गांव में, तो मैं नहीं मिल पाया था एक्चुअली, मैं 20 मिनट लेट हो गया था, तो चले गए थे सौरभ जोशी भाई, जोशी भाई साहिल जोशी भाई और निर्मल भाई, तो सभी आए थे गांव में, इंडरी गांव में, मिल पाया तो मुझे अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है भाई। तो मेरा ड्रीम था भाइयों से मिलने का, परंतु ये सपना पूरा नहीं हो पाया, अधूरा ही रह गया, जब किस्मत में होगा ज़रूर मिलेंगे भाइयों से। और आए थे भाई सभी सौरभ जोशी भाई, और वहाँ गए थे, देखो दिखा देता हूँ, और सौरभ जोशी भाई गए थे यहाँ पे मंदिर पे, हमारे पहाड़ पे घूम के आए थे काफ़ी, तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में या फिर सैटरडे संडे के ब्लॉग में दिखाऊंगा, ऊपर पहाड़ पे जाऊंगा तो बताऊंगा वहाँ पे गए थे भाई, और पूरे गांव का व्यू लिया था, और बहुत ही अच्छा सुंदर गांव बताया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सौरभ भाई का, सौरभ भाई का इस वीडियो के ज़रिए हमारे प्यारे से गाँव को पूरे विश्व भर में प्रदर्शित करने के लिए और अच्छा बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। तो चलिए अभी प्रैक्टिस करेंगे, और बास्केटबॉल के बच्चे तो कर ही रहे हैं प्रैक्टिस, चलो फिर मिलते हैं गाइस, शिव। हाँ तो गाइस अभी प्रैक्टिस कर लिया, प्लेयर तो कम आए थे क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है, मेरे साथ है टीकम और भूरा पवार है, तो ये चार पांच प्लेयर आए थे कुणाल वगैरह, तो इन्हीं में हमने प्रैक्टिस कर ली, एक घंटे खेले हैं खूब मस्त। तो भाई टीकम क्या रीजन है, प्लेयर क्यों नहीं आ रहे प्रैक्टिस पे भाई? भाई शादी ब्याह चल रहे हैं भाई, इस टाइम कोई नहीं आ रहा। अच्छा शादी ब्याह का रीजन है, शादी ब्याह हम तो अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस रखते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस है पर भाई अपने खेल के चल दिए। हां जिसको टाइम मिले भाई, प्लेयर आओ दो आओ तीन आओ अपनी प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि टूर्नामेंट भी आ रहे हैं, करोगे उतना ही तुम्हारा गेम निखरेगा और अच्छा खेल पाओगे आप, है ना जी। चलिए फिर चलते हैं गाइस, मिलते हैं स्टूडियो में आपसे, राम राम भाइयों। रक्षित हो गया रेडी, कहां जा रहा है भाई? शादी में सोना? अच्छा सौरभ जोशी से मिला फिर है? अच्छा आइसक्रीम खाई उसके साथ, डांस भी किया, आज का ब्लॉग देखा? देखा, आ रहा है ब्लॉग में, देखा है ना? हाँ तो सौरभ जोशी से मिला है, चल ठीक है मेरे को भी मिलाना है ना, दोस्त बन गया तो फ्रेंड। अच्छा मिलते हैं। हाँ तो गाइस अभी मैं डिनर कर रहा हूँ मस्त, और अभी इस ब्लॉग को मैं एडिट करूँगा, तो आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल जाएंगे शॉपिंग करने, शूज़ लेने और कपड़े भी खरीदने, तो कल के ब्लॉग में ज़रूर देखें,
चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। राम राम भाई, सभी भाई।